आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन दिया है कि ट्यूनिंग फॉर्क है कोई। ट्यूनिंग फॉर्क क्या प्रोड्यूस कर रहा है? 4 बीट पर सेकंड से फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है विथ अनदर ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी, किसी दूसरे ट्यूनिंग फॉर्क के साथ जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है कितना, 256 हर्ट्ज। ओके, द फर्स्ट वन अब कह रहा है कि फर्स्ट वाले को क्या किया जा रहा है, उस पर लिटिल वैक्स, थोड़ा सा वैक्स क्या कर दे रहे हैं, पुट कर दे रहे हैं, लोड कर दे रहे हैं। तो कह रहा है कि द बीट फ्रीक्वेंसी इज फाउंड टू बी इंक्रीज 6 पर सेकेंड। तो ऐसा करने पर क्या हो रहा है कि जो बीट की फ्रीक्वेंसी है वो कितना बढ़ जा रही है, 6 पर सेकेंड बढ़ जा रही है। ठीक है, तो कह रहा है कि व्हाट वाज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क। तो हमें बताना है कि जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी रही होगी ट्यूनिंग फॉर्क की वो क्या रहेगी होगी। ठीक है, ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, कि सबसे पहले हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है एक की, वो कितनी दे रखी है, वो कितना है, 256 हर्ट्ज दे रखी है। ओके, अब वो दोनों इनिशियली किस कितने बीट पर सेकंड के साथ थे, इनिशियल क्या था, इनिशियल जो बीट था, इनिशियल बीट ये कितना दे रखा था, 4 बीट पर सेकंड, इनिशियल वैल्यू इतनी दे रखी थी। ओके, तो अब हमारे पास कह रहा है कि जैसे हम वैक्स उस पर लोड कर रहे हैं तो उसकी बीट क्या हो रही, फ्रीक्वेंसी बढ़ जा रही है। तो जब वैल्यू क्या होती, इंक्रीज करती है, तो हम जो पहले के जो बीट नंबर होते हैं उसको अपने ओरिजिनल जो फ्रीक्वेंसी होती है, गिवन फ्रीक्वेंसी, उसमें से क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी वैल्यू क्या हो, इंक्रीज हो, तो हमारे जो ओरिजिनल बीट्स दिए रहते हैं उसको गिवन फ्रीक्वेंसी में क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं। तो तुम्हारे पास गिवन फ्रीक्वेंसी कितनी है, 256 है, ये 256 दिया हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, तो हमारी जो वैल्यू आएगी, देयरफॉर द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, इस केसेस में आपको क्या करना होगा, ये कॉन्सेप्ट लर्न रखना होगा। ठीक है, तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो कितनी आएगी, 256 माइनस 4, तो हमारा ये आंसर कितना आ जाएगा, 252 हर्ट्ज। ओके, तो आपकी जो अगेन मतलब जो बीट देगा उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपके इनिशियल वैल्यू ही क्या होती है, एड और सब्ट्रैक्ट होती है। अगर ये बोला होता कि 6 डिक्रीज हो जाती तो हम 4 क्या कर देते हैं, अपने वैल्यू में ऐड कर देते हैं। सो दैट्स व्हाई ये हमारा क्या है, जो 252 हर्ट्ज आया है ये हमारा क्या फाइनल आंसर है। तो हमारा जो सोर्स रहा होगा उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी रही होगी, 252 हर्ट्ज। ओके, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।